ये है आपकी मॉर्निंग कॉफी। शोने से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, मैं लेके आ रही हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मुंबई में मॉनसून आ गया है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब घर से गरम गरम कॉफी मिली अभी पीने को, उस रात से इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, न्यूज़ में भी यही दिखा रहे हैं कि मुंबई के कोने कोने में बहुत बारिश होती है और बहुत जगह में पानी। मुंबई के कोने कोने में पानी भर जाए, ये बोलिए ना। अगर मुंबई के कोने कोने में बहुत बारिश होती है, मतलब कोने कोने में होती है, बीच में मुंबई में बारिश नहीं होती। अरे मतलब कोने को मतलब कि मुंबई के हर जगह पे बारिश होती है। पूरे मुंबई में बहुत बारिश होती है और पानी भर जाता है पूरे मुंबई में। अभी तो हम लोग घर में बैठे तो लकीली आज मेरी छुट्टी है तो मैं घर पे हूँ, बारिश से बचा हुआ। और अभी मुझे थोड़ा कुछ बाहर का काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और कल जब वापस जाना, कल क्या पता बारिश ना हो। अगर हुई तो नहीं हुई तो देखेंगे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। बहुत ही तेज बारिश हो रही है ना। देखिए कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। माय गॉड, आई होप नित्यम के आने के टाइम तक थोड़ी कम हो जाए। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ बैल्कनी में और मुझे छींटे पड़ रहे हैं इतने ज़्यादा। एंजल, एंजल बारिश, एंजल, एंजल लुक एट मी। अभी नित्यम के आने का भी टाइम हो रहा है तो देख रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा निकला हूँ, कुछ ज़रूरी सामान, जो अगर बारिश कंटिन्यू रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बारिश कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि देखिए अभी 12-13 घंटे तो ज़्यादा ही हो गया है। तो अभी लग रहा है रात को भी प्रॉब्लम हो सकती है कंटिन्यू। अभी लोग बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए लोग सब बारिश का मज़ा ले रहे हैं। देखिए देख रहे हैं ये पानी भरना चालू हो गया, पानी भरना चालू हो गया। बच्चा देखिए बारिश को कितना एंजॉय कर रहा है, ऊपर से जो बारिश का पानी आ रहा है ना, वाह अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है।
अभी मैं भी नितिन अभी स्कूल से आया तो उसको लेने आया हूँ। अभी आप देख रहे होंगे पूरा पानी भरना स्टार्ट हो गया है। वही सोच रहा हूँ आज मेरी छुट्टी है, लकीली मैं घर पे ही हूँ, तो आज लकीली मैं घर पे हूँ और वही सोच रहा हूँ कि आज तो मैं बच गया है, बट अभी मॉनसून स्टार्ट हुआ है जस्ट आज, मेरे ख्याल से आज ही पहला दिन है। पिछले वैसे तो 10-15 दिन पहले आ गया था मॉनसून, पर बारिश नहीं हुई थी ज़्यादा। अभी कल से कंटिन्यू है, बट वही सोच रहा हूँ कि कल अगर ऐसी ही बारिश हुई तो मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे इतने सही जगह पे मतलब जैसे पानी भर गया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट्स है, मतलब कुछ इतना कोई गड्ढे वगैरह नहीं है रोड्स पे, तो अगर यहाँ पे पानी भर गया है तो जहाँ पे रोड ख़राब है और ब्रिज के पास क्या हालत होगी, वो बहुत ही सोचने वाली बात है। यहाँ पे देखिए लोग सब बाहर, धीरे धीरे कम हुई है, धीरे धीरे कम हो रही है बारिश, अभी हुई है, अभी बहुत ही काफ़ी मतलब पहले से बहुत स्लो हो गई है बारिश। अभी आप देखेंगे इतनी बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही हैं, पर बारिश है कभी भी ऐसे सुबह से हो रहा है, कभी तेज़ हो जा रही है, कभी स्लो हो जा रही है। अब टेंशन की बात वही है जो मैंने पहले आपको बताई कि अब जाऊँ कैसे, अगर कल मुझे जाना हुआ ऑफिस, कल तो वैसे क्या जाना ही है, बट अगर ऐसे ही बारिश रहा या इससे तेज़ रहा तो फिर कैसे जा पाऊँगा। लेट्स सी, देखते हैं, प्रे करूँगा कि इतनी बारिश तो ना हो। वैसे तो मुंबई में करीब करीब 5 या 6 महीने बारिश होती है, तो वो तो रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट सुबह आने और जाने के टाइम में बारिश कम हो तो थोड़ा आने जाना ईजी हो जाए। अभी देखिए मैंने आपको बोला था, अभी देखिए फिर से तेज़ हो गई बारिश, फिर से तेज़ हो गई है बारिश, और ऐसे ही चलता रहता है ये सिलसिला, कभी तेज़ कभी स्लो, कभी तेज़ कभी स्लो, तो यही होता रहता है। अभी एकदम से तेज़ हुई थी, फिर स्लो, फिर तेज़, फिर स्लो। अभी देखिए फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। पर एक बात है, मौसम यहाँ का जो मौसम है ना मुंबई का, वो मोस्टली गर्म ही रहता है, तो 35-37 के बीच में टेम्परेचर रहता है। बट ये क्या, यहाँ पे हम लोग क्या जो मुंबईकर हैं वो वेट करते हैं कि मानसून कब आए, भले ही 6-5 महीने मुंबई में बारिश की वजह से बुरा हाल रहता है, बट हम वेट करते हैं कि बारिश आए तो एक्चुअली पानी की प्रॉब्लम ना हो इतनी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, बारिश नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या, मुंबई में जो लेक से सप्लाई होता है पानी, लेक में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर सप्लाई किया जाता है पूरी मुंबई को, तो वो लेवल में आ जाता है लेक, फिर पानी की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती पूरे मुंबई में। तो बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है मुंबई के लिए। नितिन की वैन भी आ गई है, कितना पानी भर गया ना नितिन यहाँ पे, है ना, इनको मज़ा आ रहा है, नित्यम को बहुत मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में भीगने का। ओ बिल्कुल गीला हो गया, चलो 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 फटाफट, बारिश तेज हो गई है, चलो 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 चलो। ये देखिए इतनी बारिश हो रही है कि नित्यम पूरा गीला होके आ गया, भीग गया, पूरा भीग गया। तो आपने बेटा ये क्यों नहीं पहना, रेनकोट क्यों नहीं पहना, तो उससे रेनकोट से टाइट होता है क्या, देखो पूरे भीग गए हो, तो बैग बाहर रहने देते ना, खुद आप पहन लेते। स्कूल में जब आए तो भीगते हुए आए ग्राउंड से पूरा, स्कूल में पहन लिया था, फिर उतारा कब, वैन में। अच्छा आपको पता है यहाँ पानी क्यों भर गया, क्यों भर गया, क्योंकि गुजरात में साइक्लोन आया। किसने बताया आपको, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं। अच्छा इसलिए, मुझे तो पता ही नहीं था, गुजरात में तो मोदी जी भी रहते हैं ना वो दिल्ली में रहते हैं। चलो तो जल्दी जल्दी से निकाल लो कपड़े और फिर टॉवल देती हूँ, फिर पहुँचो। आज जैसे कि बारिश का मौसम है तो कुछ अच्छा सा चाइनीज़ खाने का मन हो रहा था,
तो हमने सोचा कि हम लोग आज शेजवान राइस बनाते हैं। तो अभी हमने उसके लिए पहले चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, उसके बाद हम लोग सब्जियां जैसे गाजर और कैबेज, शिमला मिर्च, ये सब काट के बारीक बारीक फिर उसको अलग से तड़का लगा के फिर मिक्स करेंगे। तो शेजवान राइस बनाने के लिए मैंने अभी इसमें चावल चढ़ा दिए हैं, थोड़ी देर में चावल बन जाएंगे और अभी मैं सब्जियां भी काट रही हूँ साथ में। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि मैं एल्युमिनियम के बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं अभी इसमें चावल बना रही हूँ मिट्टी के बर्तन में, और जो भी मैं तड़का लगाऊंगी बाद में इनको, वो मैं पीतल की कढ़ाई में लगाऊंगी। एल्युमिनियम गाइस बहुत ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए, प्लीज़ अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करना बंद कर दें। मेरे को यूज़ किए हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है, वो हमेशा जब भी मिट्टी के बर्तन पे आपको कुछ भी बनाना है, दाल या चावल, तो हमेशा लो फ्लेम पे ही बनाएं। जब मैं छोटी थी ना तो छुट्टियों में ना अपने मामा जी के घर जाती होती थी लुधियाना में, तो वहाँ पे ना चूल्हे पे साग मिट्टी के बर्तन पे ही वो लोग बनाते थे, और वो धीरे 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 कड़ता रहता था और उसका टेस्ट इतना अच्छा आता था ना, मज़ा आता था खाने में। आजकल जब हम लोग कुकर में उसको बनाते हैं साग को, तो वो इतना टेस्टी नहीं बनता है। तो अभी मैंने पिछले 2 साल से लगभग मिट्टी के बर्तन में ही दाल बनानी शुरू की है, इतनी टेस्टी बनती है कि क्या बताऊँ। प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। अभी हम लोग अपने चावल चेक कर लेते हैं कि कैसे बने। देखें, बिल्कुल अलग अलग दाना है हर एक, बहुत अच्छे बनते हैं यार, ट्राई करके देखना सच में। शेजवान राइस बनाने के लिए हम लोग ये मार्केट से मसाला लेके आए हैं, यही डालेंगे हम लोग। अभी तेल डाल दिया हमने इसमें, और थोड़ा सा गर्म होने के बाद तुरंत हम लोग सब्जियां डाल देंगे जो हमने ये काट रखी हैं, उनको सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इसमें चलाते हुए गर्म करना है, फ्राई करना है, और फिर चावल डाल देने हैं। अभी हम लोग इसको 2 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे, इसको भून लेना है सिर्फ 2 मिनट। अभी डाल दीजिए। हाँ, बन गया ना? हाँ बन गए। आप डाल दीजिए इसमें से लेके, ऐसे ट्रांसफर। हाँ ट्रांसफर कर दीजिए। फ्लेम धीरे रखिए। ये भी शेजवान राइस का मसाला डाल रहे हैं, दोनों पैकेट डाल दीजिए। मेरे ख्याल से 2 पैकेट काफी होंगे ना। हाँ पहले इसको मिक्स नहीं डाल देते हैं, वो डाल रहे हैं क्या एजिनोमा? नहीं ये काफी तेज है ना, नहीं होगा। एंजल कम सभी तो कुछ और सॉसेस। नित्या बेटा लेके जाओ एंजल को, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हो गए हमारे शेजवान राइस रेडी। सोने कैसे बने, कैसे बने एंजल? पापा के साथ खाओ, बहुत अच्छे बने पापा के साथ। तो अभी बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा बाहर घूम लिया जाए, तो हम लोग रोड पे आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश आ रही है। बारिश बहुत तेज आएगी अभी, अभी बादल देख रही हूँ, बादल पूरे हैं, वो देखो। मैं आपको बादल दिखाता हूँ, ये बादल देख रहे हैं,
क्लाउड्स पूरे बने हुए हैं और बारिश रात को बहुत ही तेज आने वाली है। देखिए बहुत ही तेज आएगी बारिश अभी। पहले तो यहाँ पे पूरा आप लोगों को लेके चलते हैं एक छोटी सी वॉक पे, बारिश होने के बाद और बारिश होने से पहले। थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलता हूँ। यहाँ पे लड़के एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं बारिश में अक्सर यहाँ पे। एक्चुअली ये रोड अभी चालू नहीं हुई है, जो रोड देख रहे हैं अभी स्टार्ट नहीं हुई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेलते हैं या ड्राइविंग सीखते हैं। और ये एंजल और शिवम सामने से आ रहे हैं। हे एंजल। तो अभी छोटी सी इवनिंग वॉक के बाद हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत सुहावना है, लेकिन बारिश भी कभी भी शुरू हो सकती है। पर हमें बहुत मज़ा आया घूमने का। एंजल की भी आउटिंग हो गई, हमारी भी आउटिंग हो गई। आज इनका रेस्ट था तो बारिश की वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल पाए। एंजल को बड़े मज़े आ रहे हैं, वो तो जा ही नहीं चाह रही है घर पे। एंजल चलो घर चले, अभी रोड पे भाग रही थी, मस्ती कर रही थी, इसको ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड है। जैसे ही घर पहुँचे ना हम लोग, वैसे इतना तेज बारिश शुरू हो रही है। देखो तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो दिखेगा नहीं इतना, आवाज़ ही आएगा तो दिखेगी नहीं इतने अच्छे से, पर आवाज़ ही आएगी। जस्ट 5 मिनट हुए हैं हमें पहुँचे हुए घर पे और इतना तेज बारिश शुरू हो गई नीचे। बाल ना पूरे ड्राई ड्राई हो रखे हैं, ऑयलिंग करने वाली हो गई है, फिर बाद में धोने भी हैं। मैं ना इनको बोलती हूँ कि मेरे को ना ऑयलिंग कर दो, देखते हैं क्या बोलते हैं, करते हैं कि नहीं। एंजल अरे पूछती हूँ शोने, मेरे बाल देखे ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं। हंस क्यों रहे हैं? समझ गए क्या बोलना चाह रही हूँ? ऑयलिंग कर दो ना प्लीज़, कर दो। कर देता हूँ मैंने कहा। तो आप तो बोले ही नहीं, ना मना किया ना हाँ किया। नहीं नहीं कर देता हूँ। और किसको बोलूँ बताएं, आप ही करेंगे ना? मैं और किसी को बोलना नहीं मतलब कि ना मम्मी है यहाँ पे, ना मम्मी जी हैं, तो मैं हूँ, कोई भी नहीं है, तभी आपको बोल रही हूँ। मम्मी ना मम्मी है ना मम्मी जी है, बट मम्मी जी का बेटा है। कर देता हूँ, लेके आओ ना यहाँ पे। नहीं मैं भी आपको कर दूंगी। नहीं मुझे तो चाहिए भी नहीं। क्यों वो? क्या वो ऑलरेडी ऑयलिंग है ना, देखो अच्छा कर रखी है। चलो आपको तो इजी है ना, इतने छोटे से बाल हैं, फटाफट कर लिया। विक्रम सो रहा है क्या अभी तक? सो रहा है, सोने दो उसको, आज एग्जाम्स खत्म हुए उसके। चले मैं लेके आती हूँ। तो फाइनली मेरे सर पे तेल लग रहा है। पहले भी लगा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ लगाते हैं, मैंने कहा तभी तो बोला आपको लगाने के लिए, लगा रहा है, लगाते हैं आपको मसाज, हेड मसाज। हो गई है दिमाग खुल जाए तुम्हारा, क्यों बंद है प्यारी दे। Thank you.
नित्यम एंजल को भी दो फ्रेश हो जाए। एंजल आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ पापा से करवा लो, आप भी परेशान हो, मजा आ जाएगा। हाँ जी एंजल के बाल ही नहीं। एंजल मजे आ रहे हैं? एंजल एंजल बिस्किट खाने में बिजी है। ये मेरा बुबलू है। तो मेरे और एंजल के बालों में फाइलिंग हो गई फाइनली। तो अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं और आप लोगों से हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय इंद्र से बाय।